हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन द पार्ट 5 इन द कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम सीखेंगे अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड डैट इज आर एक्स एंड अल्कोहल डैट इज आर ओ एच, वेयर आर इज एनी अल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज एन हैलोजन। क्लियर? सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल हैलाइड डैट इज सी एच थ्री सी एल, दैट इज क्लोरो मिथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसको आपको अल्कोहल में चेंज करना है, तो अल्कोहल में चेंज करने के लिए आप क्या इसका यूज करोगे, क्यू एच एक्वस का। क्यू एच एक्वस, बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा क्यू एच एक्वस जब भी आप यूज करोगे तो वो बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराता है। ठीक है, अगर आप क्यू एच अल्कोहलिक यूज करते हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से ये सी एल हटेगा और ओ एच यहाँ पर आके क्या होगा, सब्सटीट्यूट होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, के पास पॉजिटिव चार्ज, ओ एच के पास नेगेटिव चार्ज, सी एल के पास नेगेटिव, सी एच थ्री के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, पता है ना, ये सी एल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, के सी एल बाहर निकल गया, सी एच थ्री ओ एच, तो डैट इज मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, दैट इज द क्लोरो इथेन या फिर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्यू एच एक्वस डालो तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ये क्या बन गया, डैट इज इथेनॉल। क्लियर? तो बेटा डैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आपको पेपर में बाई चांस सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्जन आ जाए, ठीक है, सपोज हम कहें यहाँ पर तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्जन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने जैसे यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री, ये क्या है आपके पास, टू क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? वन टू थ्री, टू पे क्या है, क्लोरो, तीन कार्बन है तो क्या आ गया, प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर क्या डाल दीजिए, क्यू एच एक्वस, अब यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, तो दिस वन इज द सेकेंडरी अल्कोहल, अनदर नेम इज द वन टू थ्री, टू पे क्या आ गया बेसिकली हाइड्रोक्सी, बट यहाँ पर हम हाइड्रोक्सी को प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो तीन कार्बन लो डैट इज प्रोपेन, यहाँ पर टू पे क्या हो गया आपके पास, डैट इज ओल प्रोपेन टू ओल, डैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? सो हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था वो सीखा था अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।